हाथरस कल, जिसका मैंने नाम नहीं लिया और ना ही मैं नाम लूंगा, लेकिन मैं उसको एक नए नाम के रूप में एक वर्ड बोलना चाहूंगा, ज्वाला। रात के 2 बजे पुलिस ने जहां बॉडी को राख करने के लिए जला दिया, लेकिन पुलिस को ये नहीं मालूम था कि जिस बॉडी को वो जला रही है उसकी चिंगारी ज्वाला बन के पूरे देश में चलेगी, बिना परिवार की इजाज़त, बिना परिवार की मौजूदगी में ये सब काम किया गया। 8 साल बाद, निर्भया के 8 साल बाद फिर से एक ऐसी घटना दोहराई गई है जो कि सिर्फ रेप नहीं है, बल्कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके सामने शायद से 1000 रेप भी कुछ नहीं है। और ये हमारा दायित्व है कि हम इस ज्वाला को ना बुझने दें। तो आइए देखते हैं इसकी टाइमलाइन क्या है। 14 सितंबर को एक 19 साल की लड़की जो कि एक लोअर क्लास कास्ट से बिलोंग करती थी, वो अपने जानवरों को चारा डालने गई। वही 4 लड़के या फिर हम कहें 4 आदमी जो कि ठाकुर कास्ट के थे, उन्होंने उसको इसी बुरी तरह घसीटा और घसीटने के बाद क्या किया आप खुद समझ गए होंगे, जिसके बाद कुछ ये निकला कि जो बॉडी थी वो पैरालाइज हो चुकी थी और जो रीढ़ की हड्डी थी वो बहुत बुरी तरह सीवियर इंजर्ड थी और डैमेज हो चुकी थी। रेपिस्टों का तो पूरा प्लान था कि हम गला दबा के उस लड़की को वही मार देंगे ताकि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आखिरी चीख, उस लड़की की आखिरी चीज, और उसकी माँ उधर दौड़ी दौड़ी आई, जिसकी वजह से बाकी 4 रेपिस्ट उधर से भाग गए। माँ ने देखा कि जो ज्वाला थी वो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी खेतों के बीचों बीच। उसको लेके वो और उसका परिवार चंद पा पुलिस स्टेशन का है। यहाँ पुलिस ने उनकी FIR लिखने से मना ही नहीं किया, बल्कि उनके साथ बदतमीजी भी की और उनकी बेइज्जती भी की। और फिर इस घटना के 6 दिन बाद जब पब्लिक में, सोशल मीडिया पे हर जगह इतना बड़ा आक्रोश आने लगा पब्लिक का, पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा, पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड की। और उसी के ठीक 2 दिन बाद 22 सितंबर को पुलिस ने लड़की का आखिरी स्टेटमेंट लिया। विक्टिम को अलीगढ़ ले जाया गया, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर थी, वो इंजर्ड थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से बाद में उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और 29 सितंबर को वो हम सबको छोड़ के चली गई। मैंने जो आपको इंसिडेंट बताया वो मैंने आपको सारी बातें नहीं बताई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन पॉइंट्स पे बात करना ज़रूरी है, किसी के पार्ट्स के बारे में या किसी की ऑर्गन जो कि डैमेज्ड हुए इंटरनल साइड से या फिर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है उस पर बात करना हमें नहीं चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप सोशल मीडिया के किसी भी उस पर या फिर आप किसी भी मीडिया हाउसेस की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो, उधर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मरने से पहले लड़की ने बयान में साफ साफ बोला कि मेरा रेप किया गया और उसने साफ साफ नाम भी लिए, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ज्वाला की माँ ने भी बताया कि संदीप और लव कुछ वो दोनों काफ़ी महीनों से ज्वाला को हरेस कर रहे थे। इसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में भी कराई थी, लेकिन पुलिस भी उनकी नहीं सुन रही थी। लेकिन पुलिस का मानना कुछ और है। उसकी रिपोर्ट कहती है कि जो ज्वाला की मौत है वो इंजरी टू द सर्विकल स्पाइनल बाय द ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, और ये भी कहती है कि ओल्ड टीयर्स इन द प्राइवेट पार्ट्स बट नो रेप, मतलब प्राइवेट पार्ट्स पे जख्म है लेकिन वो रेप नहीं है। वाह, एक लड़की जो मरते मरते डाइंग डिक्लेरेशन दे गई, जो मरते मरते ये बोल गई, नाम ले गई कि इस बंदे ने, संदीप ने, लव कुश ने मेरे साथ रेप किया, लेकिन किसी को उसकी पड़ी ही नहीं। और जब सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर हंगामा हो रहा था तो उसकी मौकरी से एक तरीके से यूपी पुलिस ने लाश चुरा ली और लाश को लेकर रात के 2 बजे उसकी परिवार की इजाजत के बगैर, उसकी परिवार की गैर मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया ताकि उसकी बॉडी को कोई और एग्जामिन ना कर सके। जब सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चल क्या रहा है आपके सामने, थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। खड़े किसी को तो पता होगा, मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए, जो बोल सकता हूँ बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच का हूँ, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े, बस यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या, आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है।
है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं, मेरी भी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है, डीएम साहब नहीं है, बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। नहीं नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से, आपकी हुई है, आप वही जा रहे हैं, कौन सी बात हो गई, मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी, ये क्या चल रहा है, आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, संजीव कुमार मुझे पता नहीं है, मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं, थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ, मैं खड़े क्या चल रहा है सर, मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरे गांव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर, बस यहाँ पे कोई नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सुन ले मेरी बात एक बार, नहीं नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे, नहीं है अथॉरिटी है यहाँ पे, मेरी 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 ड्यूटी ये नहीं, जवाब दूंगा आपके सवालों को, सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है, वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की, हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर, सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है, नहीं नहीं जल रही है बॉडी, अरे तो आई टोल्ड यू राइट, या वन सेकंड हटिए, एक सेकंड हटिए हटिए हटिए, एक मिनट, अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार मैम, मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप, ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए, घी में। जब पुलिस अंतिम संस्कार कर रही थी तो उस वक्त पूरे के पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, घर के चारों तरफ 100 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे जिनके हाथों में लाठी थी, लेकिन प्रशांत कुमार जो कि ADG है उनका कहना है कि हमने तो परिवार से परमिशन ली थी, और ये न्यूज जब पूरे के पूरे देश में वायरल होने लगी, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगी, तो यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सब तो फेक न्यूज है। उत्तर प्रदेश के एक ऑफिस सर का ये भी दावा है कि कोई रेप हुआ ही नहीं था क्योंकि हमें तो कोई स्पर्म मिला ही नहीं, जैसे कि इन्होंने खुद फॉरेंसिक जांच की हो, जब बॉडी राख हो चुकी है तो यूपी पुलिस के लिए बहुत आसान है कुछ भी बोल देना, अगर तुम्हें कोई स्पर्म मिला ही नहीं था जब किसी का जब बॉडी का रेप हुआ ही नहीं था तो फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी कि 2:30 बजे रात में तुम बॉडी को ठिकाने लगा दो, उसका अंतिम संस्कार कर दो ताकि एक भी एविडेंस ना बचे। यूपी पुलिस के कई अधिकारियों का ये भी कहना है कि कोई रेप हुआ ही नहीं था, लेकिन ये कुछ लोग चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड टेंशन को और बढ़ाना चाहते हैं। वही एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ये भी कहते हैं, पुलिस ऑफिसर शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजंस, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीमन बाय इटसेल्फ डज नॉट प्रूव द रेप, डज नॉट प्रूव रेप, वी नीड अ लॉट ऑफ अदर सर्कमस्टेंशियल एंड एविडेंस। और फिर एक और वीडियो आता है जहाँ पे डीएम जो है वो फैमिली को प्रेशराइज कर रहा है कि ये देखो मीडिया वाले इधर हैं, 2-3 दिन और रहेंगे उसके बाद ये चले जाएंगे, ज्यादा उछलो मत, अगर तुम चाहो तो अपना बयान चेंज कर सकते हो, बस नेता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं, अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। और 3 अक्टूबर को यूपी गवर्नमेंट अपने 5 पुलिस इंक्लूडिंग SP को सस्पेंड कर देती है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट कोई कम नहीं है, यूपी गवर्नमेंट एक PR एजेंसी हायर करती है, इसका मोटिव ये था कि ये जो टीनेजर लड़की 19 साल की हाथरस की, इसका कोई रेप नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक साजिश है अजय सिंह बिश्त की सरकार को बदनाम करने की है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी सरकार कितनी अच्छी है, कितनी वुमेन की रिस्पेक्ट करती है। इस PR एजेंसी का खंडन काफ़ी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी किया, ये दिखा काफ़ी दूसरे मीडिया नेटवर्क ग्रुप्स ने भी किया, मीडिया हाउसेस ने भी किया, ये दिखाते हुए कि उनको भी हायर किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, आप यूपी गवर्नमेंट के लिए ये बोलो। और 4 अक्टूबर को गवर्नमेंट CBI इंक्वायरी की रिकमेंडेशन देती है। अब यूपी पुलिस ने 4 आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू को अटेम्प्ट टू मर्डर, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों लगा, क्योंकि जब उन्होंने जिसका गला दबा के मारने की कोशिश की, एट लास्ट वो तो मर ही गई, तो उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह मर्डर का चार्ज क्यों नहीं लगाया गया। गैंग रेप, अटेम्प्ट टू किलिंग, SC/ST एक्ट 1989 लगाया। इनमें से एक रवि, वो और उसके फादर 15 से 20 साल पहले ज्वाला के दादाजी को असल्ट किया था। विक्टिम के भाई का कहना है कि 10 दिनों तक तो कोई अरेस्ट ही नहीं किया गया था, मतलब 10 दिनों तक ये सारे रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे थे और पुलिस को कोई भी मतलब नहीं था। और इसके रिएक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपये, उसके साथ एक जूनियर असिस्टेंट की जॉब और एक सुधा स्कीम के तहत हाथरस में एक घर, मतलब
कि किसी का रेप हो जाए, उसके बाद उसे पैसा दे दो कि भैया जो पूछो उसको रफा दफा करो, बस उसको भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई सोर्सेस का तो ये भी दावा है कि जो रेपिस्ट हैं उन चार रेपिस्टों को बचाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि वो चारों उस कम्युनिटी से आते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट खुद उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इसे कट कर रहे हैं और इसी के आगे से हम अगले वीडियो में बात करेंगे।